सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर के आंदोलन करते रहते हैं, क्योंकि उनकी मांग रहती है कि किसी भी हालत में हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाए और हम लोग मुक्त हो जाए इस आंदोलन से। चूँकि चार साल से लगातार सड़कों पर उतर कर आंदोलन करते, लाठियां खाते हैं, बावजूद इसके बस मार पिटाई खा कर के उन्हें खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ता है। बजट सत्र के दौरान इन लोगों ने शुरुआत किया था, आपने देखा था कि चंपारण से पैदल चढ़कर पटना तक आए थे और सरकार को जगाने की कोशिश किए थे। बावजूद इंतजार था उन्हें तो कैबिनेट के मुहर का, लेकिन लगातार उसके बाद कई बार कैबिनेट की बैठक हुई, बावजूद इसके कोई बैठक में उनकी बातों को नहीं रखा गया, नियुक्ति पर मुहर नहीं लगा। लेकिन एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, पहले आप ये सुन लीजिए। सरकार समझ ले, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लाठी मारना बंद करे और नहीं तो हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। हम लोग 31 मार्च से गर्दानी बाग धरना स्थल पर बैठ रहे हैं। सभी शिक्षक अभ्यर्थी एसटीटी 19 मेरिट में आए सभी शिक्षक अभ्यर्थी पटना को घेरेंगे और विधानसभा को भी घेरेंगे, नहीं चलने देंगे विधानसभा, चाहे जो हो जाए। या कुर्सी कुमार जी जो बैठे हुए हैं और लाठी चलवाते हैं शिक्षक अभ्यर्थी पे, कभी भी नहीं चलने देंगे अब लाठी, उनको सुनना होगा। अपना पेमेंट बढ़ा लिए सभी मंत्री का और शिक्षक अभ्यर्थियों का नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, ये कब देंगे नियुक्ति, इनको देना होगा। और इस विधानसभा सत्र में कैबिनेट बैठक में पारित करना होगा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, चाहे जो हो जाए। लाठी चलाना है चला ले सरकार, देखते हैं कितना हिम्मत है, अब नहीं चलने देंगे इनकी बातों को। ये रोज रोज गोल गोल घुमाते हैं विधानसभा में, इनको दिमाग है कि नहीं है, विधानसभा में जरूरी बात पे भी नहीं बात करते हैं। और ये जो मोहब्बत वाले शिक्षा मंत्री हैं, लिफाफा मंत्री, इनको तो लगता है समुचित इलाज की जरूरत है। ये शिक्षा मंत्री नहीं है, इनको इलाज की आवश्यकता है। हम लोग सारे शिक्षक अभ्यर्थी इनका समुचित इलाज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और इनका इलाज कराएंगे तो सरकार होश में आए, और नहीं होश में आएगी तो सरकार को विधानसभा में नहीं चलने देंगे। यही मेरा निर्णय है सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को, और साथ ही साथ जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी सुन रहे हैं, 31 मार्च को पटना में आइए और 5 दिवसीय धरना है, और गर्दनी बाग से हम लोग चलेंगे और विधानसभा तक घेरेंगे। इसलिए सभी साथियों से अपील है कि पटना की धरती पे आए और पटना को पाट देंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से 5 दिवसीय धरना स्थल में बैठकर सरकार को चेता रही है कि अगर इस बार हम लोग की नियुक्ति पत्र नहीं दी गई, अगर हम लोग की मांग को नहीं सुनी गई, तो फिर इस बार आर पार की लड़ाई होगी और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर सभी शिक्षकों को, जो शिक्षक अभ्यर्थी है, उन्हें एकजुट होकर के पटना के गर्दनी बाग में उतरने की बात कर रहे हैं और गर्दनी बाग से सदन तक जा करके अपना प्रदर्शन करेंगे। और ये सारी मांग को लेकर के एक बार फिर से सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी बड़ा आंदोलन का आगाज करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकित दासन की रिपोर्ट।